देवघर में इन दिनों दिन दहाड़े छिनताई और अन्य तरह की घटनाएं काफी बढ़ चुकी है, जिसको लेकर एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ ने वाहन चेकिंग और सतर्कता अभियान शुरू कर दिया है। जगह जगह सादी वर्दी में भी पुलिस वालों को तैनात किया जा रहा है। पुलिस को आज सफलता भी मिलने शुरू हो गई है। देवघर एसडीपीओ विकास चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि अलग अलग टीम बनाकर देवघर नगर थाना पुलिस संदिग्ध पर नजर रख रही है। देवघर के नगर थाना क्षेत्र के दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। देवघर एसडीपीओ ने बताया कि देवघर के शिवलोक परिसर जहां खादी मेला चल रहा है उसके सामने से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास एक पिस्टल बरामद किया गया है। जबकि चितलौरिया गांव के पास एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जबकि दो पिस्टल और दो मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस इनके आपराधिक इतिहास को जांचने में लगी है। देवघर एसडीपीओ ने कहा कि जनता को विश्वास हासिल कराने के लिए लगातार पुलिस जांच अभियान में लगी है। अभी चल रही है, लगातार चेकिंग हम लोग कर रहे हैं। इसी क्रम में दो अलग अलग स्थानों से टाउन थाना क्षेत्र में एक खादी मेला लगा हुआ है, उसके मेन रोड पर जो है एक अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ है, और दूसरा जो मामला है कुंडा थाना क्षेत्र के चित्तौड़िया का है, वहाँ से एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है हथियार के साथ, और उसका जो सहभागी था वो भाग निकला है, जल्दी वो भी गिरफ्तार हो जाएगा। इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, अभी हम लोग उसको खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं कि आपराधिक इतिहास है कि नहीं इसका। लेकिन जो चित्तौड़िया वाला मामला है उसमें एक आपराधिक इतिहास रहा है, पहले भी लूट की घटना उसने किया, छिनताई की घटना किया। कल सर बाइकर्स गैंग के द्वारा दुर्घटना हुई थी। देवघर से वरुण की रिपोर्ट। नेशन 24 की ताजा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल, और बने रहें हमारे न्यूज चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार।